नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमनत मिश्रा और आप सबका स्वागत है आसानसोल के दुर्गा पूजा पंडाल में। हम भी देखने जा रहे हैं और एक्चुअल में ये जो पिछले साल का जो है हम साथ में आपको दिखाएंगे कि जो लास्ट ईयर जो दुर्गम बना था जो है के सेक्टर में आसनसोल के कुछ इलाके में, और बात यह है कि इस साल कैसा बनता है। लेकिन अगर आप भोले भक्त के कहीं जो है भूल चुके हैं तो हम आपको आसनसोल के जो है के सेक्टर और आदि दुर्गा पूजा मंडप को जो है विजिट कराते हैं कल्याणपुर हाउसिंग का। और देखिए ये जो है बहुत ही शानदार तरीके से पुराने जो हॉर्टिकल्चर हमारे हैं उसको जो है यहाँ पे रखा गया है, वो मतलब जो है इस तरीके से बनाया गया है जैसे मिस्र वगैरह में जो है पिरामिड वगैरह हो, उस तरीके से जो है पूरा किया गया है। इसमें काफ़ी कुछ मतलब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे पुराना बहुत कोई बड़ा जो है किला हो या जहाँ पे जो है रक्षण किए जाते हैं पुराना म्यूजियम टाइप का लग रहा है, ऐसी कोई जो है इसको स्ट्रक्चरिंग किया गया है। लेकिन जब हमने सामने से जाके इसको देखा तो बहुत ही सुंदर कारुकार्य था। और जो लोग जो है दुर्गा पूजा के पंडाल कहीं ना कहीं विजिट करते नहीं हैं या तो भाग भाग के करते हैं, बहुत सारा करते हैं और नाइट को करते हैं, मैं उन तमाम लोगों को बोलूँगा कि देखिए आप भाग भाग के जब पंडाल देखते हैं तो आपको वो मज़ा नहीं आता, ना ही जो है गदरिंग में जो है मज़ा भी नहीं आता। रात को जब आप निकलते हैं और आपके पास टारगेट होता है मेरे को ये जगह भी जाना है वो जगह भी जाना है, बल्कि उससे अच्छा है कि आप जानकारी लीजिए कि कहाँ जो है बेहतरीन हो रहा है और आप छोटा छोटा हिस्से में एक दो पंडाल का जो है बेहतरीन ढंग से विजिट कीजिए और दिन में कीजिए, जब शाम को करिए। मैं मुझे पता है कि लाइट भी जो है उसमें आपको देखना अच्छा लगता है लाइटिंग की कार्रवाई, लेकिन लाइटिंग की कार्रवाई आज शादी ब्याह में भी होता है वो आम बात हो गया। मेन जो चीज़ है वो पंडाल के अंदर का जो और पंडाल के बाहर का जो सीनरी है उसको किस तरीके से जो है डेकोरेट किया गया है। कल्याणपुर के दूसरा जो अंचल है यानी कि आसनसोल का जो बहुत ही फेमस जो मंदिर बनता है वो है के सेक्टर के बाद, वो है आदि पूजा यानी कि जो पंडाल जो है मार्केट के अंदर ही बनाया जाता है, उसको बहुत ही शानदार तरीके से सजाया जाता है। इसमें मार्केट में लाइटिंग की काम भी जो है बहुत ही शानदार, और ये जो है बिल्कुल ही भव्य तरीके से हमेशा जो है विलेज आर्ट्स को यहाँ रखा जाता है। और इस बार जो है इस बार मतलब यानी कि 2022 में भी यहाँ पे विलेज जो कल्चर है उसको इस तरीके से दिखाया गया जैसे विलेज में होता है गांव में होता है, उसी तरीके से ये देखिए जो है इस तरीके से स्टेचूज बनाए गए और बाहर जो है लाइटिंग का डेकोरेशन का काम, गेट यानी कि एंट्री में ये जो है तुलसी का आंगन भी बनाया गया। यहाँ बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही सुंदर सोच के साथ विचार के साथ जो इसको बनाया गया है। तो मैं आप सबको जो बात बता रहा था, आप लोगों को जब सही तरीके से जो है पंडाल का विजिट करना है दर्शन करना है तो आपको समय निकाल के आना होगा। आप हड़बड़ा के रात को आके जो है बेहतरीन ढंग से जो है पूरा मज़ा नहीं ले पाएंगे, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है मज़ा लेना है तो दिन में। क्या होगा कि पूजा का भी जो है आपको लाइव दर्शन मिलेगा और साथ ही साथ आपको जो है भीड़ भाड़ का जो चक्कर होता है उससे जो है काफ़ी राहत मिल जाएगी, और साथ ही साथ भाग दौड़ करके आपको जो है ना पंडाल का दर्शन नहीं करना पड़ेगा, लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, तो काफ़ी खाली खाली आपको जो है दिन के टाइम पर मिलेंगे, वो मौका आपको
मतलब जो है देवी का दर्शन, प्रतिमा का दर्शन बिल्कुल जो है आप समय लगा के जो है कहीं पे भी कर पाएंगे। इसीलिए पूजा से पहले ये वीडियो आपको काफ़ी काम आएगा, क्योंकि आप भी जो है बेहतरीन ढंग से अपने परिवार के साथ प्लानिंग कर पाएंगे, अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग कर पाएंगे कि किस जगह का विजिट किस दिन किया जाए। और जब दुर्गा पूजा है तो चार दिन तो आपको पता ही है कि जो है मस्त रहता है माहौल, समय होता है, छुट्टी होता है लोगों के पास, तो इस समय को जो है आजकल तो जो है दो दिन पहले से ही यानी कि पंचमी षष्ठी से ही लोगों ने जो है अपना विजिट करना घूमना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले से जो है प्लानिंग करिए ताकि आप जो है पूरा समय जो है हर जगह को दे सकें और पूरा एंजॉय जो है कर सकें आप पूरा पंडाल्स का, पूरे सीनरीज का, पूरे मंदिर का। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप जो है यदि नए हैं इस चैनल में तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।